सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे भी बढ़िया ही रहेगा। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि फ्री फायर के अंदर जो रिप्ले ऑप्शन होता है, हालांकि अपडेट के बाद इस ऑप्शन का जो नेम है उसको चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मतलब आ गया, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को आप लोग अपने गैलरी में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने लॉबी में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्लिक कर लेना है अपने प्रोफाइल में, एंड प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको आना है रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है। इसमें आने के बाद आप जो भी अपने गेम को जो है रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आप लोग को यहाँ से सेव कर लेना है। गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर सेव नहीं होता है, काफ़ी जो है उनको प्रॉब्लम होता है। सो इस पर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं यहाँ से सेव कर लिया हूँ। इसको सिंपली जो है इसको सेव करने के बाद आपको यहाँ से प्ले कर लेना है, ठीक है। गाइज प्ले करने के बाद आपको पहले यहाँ से स्टॉप कर लेना है, एंड स्टॉप करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जो कि आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो गाइज आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर गेम, ठीक है। तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। सो उसमें से आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी ही नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर किया है वही आप लोग सेम चीज़ कीजिए। आप लोग किसी भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको जो है पहले उसको ओपन कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। गाइज ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है गो इट पर, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज इसके बाद आप लोग को आ जाना है, फिर से आपको अपने गेम को मतलब ओपन कर लेना है। एंड इसमें जब आप लोग आइएगा तो आपको यहाँ पर एक साइड में एक ऐसा आइकन देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले गेम को यहाँ से प्ले कर लेना, ठीक है। एंड गेम को प्ले करने के बाद आपको इस वाले स्क्रीन रिकॉर्डर पर इस वाले ऑप्शन पर आपको टच करना है। एंड इस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने का, ठीक है। तो आपको सिंपली जो है इस पर क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है जो भी मतलब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो भी गेम चलता रहेगा वो सिंपली जो है इसी तरीके से वो रिकॉर्ड होता रहेगा। और आप लोग जो है उसको जब स्टॉप कीजिएगा तो आपको जो है वो मतलब इजीली जो है आपके गैलरी में वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग अपने वीडियो को सेव करके आप लोग अपने गैलरी में रख सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। गाइस अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।